जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज मैं फिर से आज दिनों आपके लिए एक वॉच का रिव्यू लेके, और ये है फायरबोल्ट की फायरबोल्ट रिंग प्रो, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है एक दो दिन पहले। सो आज बात करने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में, इसकी कमियों के बारे में, इसके फायदे के बारे में। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और हाँ लास्ट तक भाई जरूर देखना, और यहाँ तक आए हो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो आपको ना यहाँ पे LCD पैनल की 1.75 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, और डिस्प्ले भाई बिल्कुल एप्पल की जो डिस्प्ले होती है ना, आहा बिल्कुल ऐसी डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारी डिस्प्ले है, मतलब लुक सही में यार एप्पल की वॉच की जैसे डिस्प्ले होती है वैसी आपको डिस्प्ले मिलती है। एंड इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो भाई कंपनी ने कि ब्राइटनेस मेंशन नहीं करी है, बट इसकी ब्राइटनेस जो है इंडोर आउटडोर कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। रेस टू बेक का आपको इसमें फीचर मिलता है, वो भी काफी इंस्टेंट काम करता है, ये भी चीज काफी बढ़िया लगी। एंड आपको इसमें मिलता है भाई IP60 रेट की आपको वाटर प्रूफ सपोर्ट मिलता है, सो स्विमिंग कर सकते हो भाई, पानी में ले जा सकते हो इस वॉच को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और भाई ये वॉच है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, सो भाई इसमें बिल्ट इन माइक मिलता है, बिल्ट इन स्पीकर मिलता है, सो बात कर सकते हो यार आराम से, म्यूजिक वगैरह आप सबको सुन सकते हो। एंड अब बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो भाई आपको ना इसमें SpO2, हार्ट रेटिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और भी आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। तो भाई जो सेंसर वाले फीचर है ना, वो भाई सही तरीके से काम नहीं करते भाई। सो आप अपने हेल्थ को लेके कोई रिस्क मत लेना भाई इस वॉच के साथ, सो हेल्थ के लिए नहीं बनी, मतलब कि आप अपना जो भाई हार्ट रेट वगैरह चेक करना चाहते हो तो मत करना, एक्यूरेट नहीं आएगा, सबसे बड़ी कमी। तो भाई देखो मैंने आपको एक कमी तो बता दी, अब मैं आपको ना इसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको ना इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि भाई किसी भी स्मार्ट वॉच में आज तक आपको नहीं मिला। AI वॉइस असिस्टेंट का भी आपको भाई सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप इसमें बोलो, आप जो कुछ चालू करना चाहो अपनी वॉच के साथ वो चीज़ मिल जाएगी, मतलब आप अपने नंबर भी भाई ढूंढ सकते हो, मतलब बोलो रमेश तो भाई रमेश का नंबर आ जाएगा अगर आपने सेव किया। सो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। एंड स्प्लिट डिस्प्ले, मतलब कि आप आधी डिस्प्ले और कुछ चला सकते हो, आधी डिस्प्ले में और कुछ, ये भी आपको भाई इसमें सपोर्ट मिलता है। सो बेनिफिट्स तो भाई मुझे काफ़ी बढ़िया बढ़िया लगे हैं। एंड ये जो सेंसर काम नहीं करते भाई, ये तो सबसे बुरी बात ये लगी और सबसे घटिया ये बात लगी, क्योंकि भाई इस वॉच का जो प्राइस है ना वो है 3799, मतलब 3800 रुपये की भाई वॉच मिलती है, और ये भाई सेंसर वगैरह काम नहीं करेंगे तो लोग कैसे लेंगे, समझ रहे हो। कंपनी को सोचना चाहिए भाई, सही चीज़ देनी चाहिए, जैसे आप पैसे ले रहे हो वैसी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन छोड़ो भाई इस चीज़ को छोड़ो, और भी भाई इसके बेनिफिट्स हैं। एंड अब बात करते हैं इसके कुछ स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो आपको ना इसमें 25 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, सो जिनका आप भाई इस्तेमाल कर सकते। एंड बात करें भाई बैटरी की, तो देखो कंपनी ने कहीं टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा कि भाई बैटरी जो है 7 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, कोई भी नहीं। आपको ना भाई इसमें जो बैटरी मिलती है वो आपको 180 mAh की मिलती है, तो भाई देखो इतने सारे इसमें फीचर है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, तो भाई एक दो दिन इसकी बैटरी चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। सो ज़्यादा आप सोच के भी मत चलना, ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि 180 mAh की बैटरी तो क्या ही चलेगी, सोच लो भाई। एंड बात करें अब इसके वॉच फेसेस की, तो आपको ना इसमें बिल्ट इन 12 वॉच फेस मिलते हैं, मतलब 12 आपको वॉच फेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है द फीड भाई, उसमें आपको सिर्फ 29 वॉच फेस मिलते हैं। देखो एक ये गलती निकल आई, अब मैं आपको इसकी गलतियाँ गिना रहा हूँ, मतलब कमियाँ गिना रहा हूँ भाई, 29 सिर्फ वॉच फीस मिलती है इसकी एप्लीकेशन में, एक ये हो गया। और भाई आपकी वॉच पे जो कॉल आएगी ना भाई, वो आप ना थोड़ी सी देख पाओगे, मतलब आप नाम भी नहीं पढ़ पाओगे, उसकी डिस्प्ले अपने आप ही भाई बंद हो जाती है, मतलब कॉल जो है भाई चलेगी, लेकिन आप उस पर भाई ना तो रिसीव कर सकते हो, ना ही आप उस पर नाम देख सकते हो, ऐसा कुछ भाई इसमें कमी है। तो आप ना अपने फ़ोन से सिर्फ उस कॉल को भाई रिसीव कर सकते हो, उस स्मार्ट वॉच से नहीं, समझ रहे हो। और भाई आपको ना इसमें जो म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है भाई, वो भी ना एंड्रॉयड में काम नहीं करता, वो करता है भाई एप्पल के फ़ोन में। इसमें कैमरा कंट्रोल भी मिलता है, वो भी भाई एप्पल के फ़ोन में, मतलब आपको ना इस वॉच को खरीदने के लिए एप्पल का फ़ोन लेना पड़ेगा इतना महंगा। सो भाई देखो ये इसकी कमियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी, मेरे हिसाब से हेल्थ के लिए तो भाई बिल्कुल नहीं बनी। अगर आप लोगों के पास भाई आईफोन है तो आप लोग इस वॉच को लेने की सोच सकते हैं, नहीं वैसे कोई खास बात नहीं भाई इस वॉच में, तो आप सोच रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो भाई वीडियो को लाइक कर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ यार, इतनी डिटेल की चीज़ें बताई हैं। सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।